मैंने पूछा, गायिका ने इतने कम कपड़े क्यों पहने हैं? वो बोले, सदगुरु सिर्फ यही बिकता है। मैंने कहा, ये क्या है? कोई और उनके कपड़े तय कर रहा है, ये चुनना नहीं हुआ। ये दुनिया से स्त्री प्रकृति की सुंदरता को मिटाने का पक्का तरीका है। ये एक तरह से इसका नतीजा है कि आर्थिक मशीनरी से पूरी दुनिया चलती है। आज के कार्यक्रम में आने से पहले मेरी 13 साल की बेटी मुझसे पूछ रही थी, क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? मैंने कहा, बिल्कुल। तो ये उसकी ओर से है। समाज में रचे गए इस पूरे स्त्री पुरुष मामले को उसने उठाया है, जिससे वह प्रभावित है, और उसने कहा, मैं जानने को उत्सुक हूं कि क्या आज के युवाओं के लिए अगर कोई सलाह हो तो वो क्या होगी? देखिए, लिंग एक व्यक्तिगत चीज है। माफ कीजिए, मैं बहुत ही बुनियादी शब्दों में कह रहा हूं। प्लीज। किसी की पैंट में जो है उससे मेरा या आपका कोई लेना देना नहीं है। उसका महत्व सिर्फ कुछ ही जगहों पर है, जैसे बाथरूम और बेडरूम में। बाकी जगहों में आपका लिंग महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल आपकी क्षमता का होता है, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, आपकी क्षमताएं क्या हैं। हमें दुनिया को ऐसा बनाना होगा जहां किसी को दूसरों के शरीर से कोई लेना देना ना हो। सिर्फ शारीरिक संबंधों में इसका महत्व है, बाकी समय ये दूसरों से संबंधित नहीं है। इसके लिए महिलाओं को भी इस तरह सोचना होगा। पर फिलहाल स्त्रियां पूरी तरह से स्त्रियां पुरुषों के सपने के हिसाब से ही जा रही हैं, क्योंकि जैसे कल मुझे किसी संगीतकार से चर्चा करनी थी और मैंने कहा, ठीक है, मुझे कुछ सुनाइए आप। तो उन्होंने एक वीडियो चलाया। माफी चाहूंगा कि मैं ऐसे शब्द कह रहा हूं, पर मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे दुख है कि स्त्रियां ऐसे प्रस्तुत की जा रही हैं। और एक गायिका स्टेज पर भीतरी वस्त्रों में है। मैंने पूछा, गायिका इतने कम कपड़ों में क्यों है? वे बोले, सदगुरु सिर्फ यही बिकता है। मैंने कहा, ये क्या है? ये महिलाओं का भयानक शोषण है और वे इसमें सहयोग कर रही हैं। वे जो चाहे पहन सकती हैं, ये मेरा काम नहीं है। पर अगर वे उसे सिर्फ इसलिए पहनती हैं क्योंकि वही बिकता है, तो ये समाज में सही नहीं है। ये उनका चुनाव है कि वे क्या पहनना चाहती हैं, पर यहाँ चुनाव उनका नहीं है, कोई और तय कर रहा है। ये Which is not choice at all. चुनना नहीं हुआ। तो युवा लड़के और लड़कियां ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्हें ये स्थापित करना होगा कि आपका शरीर आपका काम है, ठीक है? आपका शरीर ऐसी चीज नहीं है कि हर राह चलते व्यक्ति का उससे लेना देना हो। हर किसी का आपके शरीर से कुछ लेना देना होना जरूरी नहीं। लोगों को आपके बुद्धि से जुड़ने की जरूरत है, लोगों को आपकी प्रतिभा पहचानने की जरूरत है। सड़क पर हर किसी का आपके शरीर के साथ शामिल होना जरूरी नहीं। शरीर के अपने प्रयोजन हैं, उसकी अपनी सुंदरता, अपनी प्रकृति है, वो एक अलग चीज है। मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि पहनावा क्या होना चाहिए, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि पुरुष को स्त्री का पहनावा तय नहीं करना चाहिए। मैं बस ये कह रहा हूँ, फिलहाल लगता है कि पुरुष का भ्रष्ट स्वभाव स्त्री के कपड़े तय कर रहा है। अगर महिलाओं को स्वतंत्र होना है तो इसे बदलना होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे पुरुष की ताकत की जगह दिमाग महत्वपूर्ण बन गया है, वैसे ही स्त्री की चमड़ी की जगह भी दिमाग को महत्वपूर्ण बनना होगा। तो फिलहाल ये बेतुका लग सकता है, नहीं नहीं स्त्रियां ऐसी ही होती हैं। नहीं, पुरुषों ने महिलाओं से ऐसा होने की उम्मीद की है, स्त्रियां ऐसी नहीं हैं। मैं अपने जीवन में काफी स्त्रियों को जानता हूं, इससे मुझे साफ पता है कि वे ऐसी नहीं हैं, पर उन्हें लगता है कि उनसे यही उम्मीद की जाती है। क्या ये सुपर महिला लक्षण है कि वे इसे इस तरह परिभाषित करते हैं कि महिलाएं खुद को एक खास तरह से प्रस्तुत करना चाहती हैं? नहीं, ये दुनिया में स्त्री प्रकृति की सुंदरता नष्ट करने का पक्का तरीका है, क्योंकि फिलहाल पुरुष प्रकृति को असली सफलता माना जा रहा है। अगर
सफल होना हो तो आपको पुरुष की तरह अपनी ताकत दिखानी होगी, इसे बदलना होगा, क्योंकि ये एक तरह से इसका नतीजा है कि आर्थिक मशीनरी पूरी दुनिया को चला रही है। जब सिर्फ पैसों का लेन देन मायने रखता हो तो सब कुछ एक बाजार होता है। सब इस बारे में है, देखिए बाजार में अगर मैं कम देकर ज्यादा लेता हूं तो मैं स्मार्ट हूं, है ना? हेलो, अगर मैं बाजार जाता हूं और ज्यादा देकर कम लेता हूं तो मैं बेवकूफ हूं। पर आपको समझना होगा कि आपके घरों में, मुझे यकीन है कि ये आपके लिए भी सच है, मैंने महिलाओं को कई तरीकों से काम करते देखा है। मेरी अपनी माँ, बहनें, मेरी चाची, मामियाँ और कई दूसरी महिलाएं जिन्हें मैंने देखा है, हाँ, जब वे घर पर होती हैं तो वे खुद को पूरी तरह झोंक देती हैं, क्योंकि उन्हें अपना काम पसंद है, उनके लिए वे लोग मायने रखते हैं, उन्हें What I get is not important. That's what makes their life beautiful. क्या मिलेगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, यही उनके जीवन को सुंदर बनाता है। ये सिर्फ घर पर ही नहीं, समाज में भी होना चाहिए कि सभी दूसरों के लिए कुछ बेहतरीन करने की कोशिश करें, यही स्त्री प्रकृति है। फिलहाल लोग हर जगह ये कह रहे हैं, मुझे कम देकर ज्यादा लेना है, चाहे बाजार हो या शादी, यही हो रहा है, और कोई खुशी नहीं है, कोई अच्छे से जी नहीं रहा, कोई अपना मोर्चा नहीं छोड़ पाता, सभी हमेशा एक दूसरे के खिलाफ हथियार तने हुए हैं, क्योंकि हर जगह बाजार है। आप हर जगह यही देखते हैं कि फायदा कैसे हो सकता है। नहीं, ऐसे मनुष्य अच्छी तरह नहीं जी सकता। मनुष्य अच्छी तरह जी सकते हैं, मैं लगातार स्वयं सेवकों के बीच रहता हूं जो हर स्थिति में हमेशा कुछ बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। लोग पूछते हैं, सद्गुरु आप जो भी करते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मैं कहता हूं, मेरे आसपास के लोग। जैसे लोग मैंने अपने आसपास इकट्ठा किए हैं, वे बिना कुछ मांगे अपनी जान देने को तैयार हैं, मेरे जीवन में यही सबसे सुंदर बात है, क्योंकि दुनिया में यही सबसे महत्वपूर्ण है। हर जगह एक बाजार है, यानी हम हमेशा किसी का फायदा उठाना चाहते हैं, है ना? जब आपका मन बाजार बन जाए तो कोई चेतना नहीं होगी, जीवन के सूक्ष्म पहलू नहीं होंगे। इस दुनिया में स्त्री प्रकृति की कोई जगह नहीं होगी, पुरुष प्रकृति राज करेगी। सिर्फ जीतना जरूरी होगा, हर चीज में शोषण होगा, प्रेम जरूरी नहीं होगा, दूसरों को अपना हिस्सा बनाना जरूरी नहीं होगा, जीवन में भागीदारी नहीं होगी। जहाँ जीवन के साथ बेलगाम भागीदारी नहीं होती, वहाँ जीवन ही नहीं होता। सिर्फ भागीदारी से ही आप जीवन को जान सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। आपने सुपर महिला शब्द कहा, मैं कहूँगा मेरी माँ एक सुपर महिला थी। उन्होंने जीवन में एक रुपया नहीं कमाया, पर वे सुपर महिला थी, परिवार में सबसे ज्यादा सम्मानित थी। क्या उन्होंने कभी पूछा मुझे क्या मिलेगा? नहीं, पर वे एक सुपर महिला थीं।